हेलो दोस्तों, किरण किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों मिल्क पाउडर से लड्डू बनाना बताऊंगी और ये बहुत ही इजी होते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है ये। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिया है कांच का बाउल और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी। दोस्तों मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है, ये नेस्ले का है, आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। तो वो मैं इसमें डालूंगी बाउल में। और यहाँ पे लिया है दोस्तों मैंने पाउडर शुगर, ये मैंने घर में बना के रेडी कर लिया है, आप इसको बाहर से भी खरीद सकते हैं। तो इसमें दोस्तों मैं 1/2 कटोरी के करीब डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा मीठा ही होता है मिल्क पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाउडर शुगर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने बादाम को थोड़ा रोस्ट करके और इसको मैंने क्रश कर लिया था, थोड़ा इसको दरदराई मैंने क्रश करा हुआ है। आप इसकी जगह काजू भी ले सकते हैं, पीनट भी ले सकते हैं, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने 8 से 10 कलियां ली थी बादाम की। और अब दोस्तों मैंने यहाँ पे मेल्टेड घी लिया है, यहाँ पे देसी घी, और वो मैं इसमें डालूंगी। तो अब दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हाथों की सहायता से ही आप इसको मिक्स कर लीजिए, और अगर घी की कमी लगती है आपको तो आप इसमें घी और भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें घी अच्छे से डाल दिया है, और आप इसमें घी की ज़्यादा ही क्वांटिटी रखें क्योंकि मिल्क पाउडर घी को पी जाता है। तो दोस्तों अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा मिक्सचर उठाकर इस तरीके से आप दबा दबा कर इसको लड्डुओं की शेप दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक लड्डू बन के रेडी है। अब इसी तरीके से हम सारे मिक्सचर के लड्डू बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे मिल्क पाउडर के लड्डू बनके बिल्कुल रेडी है, और दोस्तों ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, आप इसको मलाई लड्डू भी कह सकते हैं। और दोस्तों आने वाले त्योहारों में जैसे गणेश चतुर्थी आ रही है और जन्माष्टमी आ रही है, तो आप इसे यूज़ कीजिएगा रेसिपी को। अगर दोस्तों ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत ही खाने में स्वादिष्ट बनते हैं लड्डू, तो दोस्तों प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। गुड बाय दोस्तों।